નમસ્કાર, હું પંડ્યા આરતી. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. 25,000 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા કર્યા બાદ યાત્રાના 415માં દિવસે યુપીના પર્યાવરણ પ્રેમી રોબિન સિંહનું વડોદરા ખાતે પુષ્પહાર સાથે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. યુપીના પર્યાવરણ પ્રેમી રોબિન સિંહનું વડોદરા ખાતે ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના વડોદરા શહેર પ્રમુખ વિશાલસિંહ લાલસિંહ ઠાકોરની ટીમ દ્વારા ફૂલહાર તથા બુકેથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પર્યાવરણ સંરક્ષણ અભિયાનની સાયકલ યાત્રાની શરૂઆત રોબિન સિંહે તારીખ 6/10/2022 કન્યાકુમારી તમિલનાડુથી કરી, જે માર્ચ 2024માં ભોપાલ ખાતે પૂર્ણ થશે ત્યારે વડોદરા ખાતે તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. यात्रा के 415वें दिन बड़ौदा पहुंचा हूं और भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों तक मैं साइकिल से यात्रा करके पहुंच रहा हूं. उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उनको पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के बारे में एक बार अवेयर करने का प्रयास. भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में होकर के भोपाल में मेरी यात्रा का समापन 2024 में मार्च के महीने में होगा. 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से यह पर्यावरण संरक्षण जनजागरण अभियान ग्रीन इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था और मेरा नाम रोबिन सिंह है. मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ. आप सबसे यही निवेदन रहेगा, यही आग्रह है कि ऑक्सीजन, पानी और शुद्ध भोजन हम जिसे करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, वो जब अशुद्ध हो जाएंगे तो हम सबके जीवन को जीने में असुविधा होगी. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है. यही विषय को लेकर के आप सबके मध्य में आज बड़ौदा हूँ और यहाँ से केवड़िया जाऊँगा, फिर यहाँ से केवड़िया से अन्य जिलों होते हुए महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करूँगा. धन्यवाद.